मूवी थेल्मा। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी शिकार करने के लिए आया है, इसके साथ इसकी बेटी भी है। तभी इस आदमी को एक हिरन दिखाई देता है। ये अपनी बंदूक निकालकर उसकी तरफ करता है, लेकिन दूसरे ही पल ये अपने बंदूक को अपनी बेटी पर कर देता है। इसकी बेटी का नाम थेल्मा है। ये आदमी शिकार के बहाने अपनी बेटी को जान से मारना चाहता है। ये ऐसा क्यों करना चाहता है, इसका पता हमें मूवी में आगे चलेगा। अब हमें कुछ साल का समय दिखाया जाता है, जिसमें थेल्मा अब बड़ी हो चुकी है। थेल्मा अपने कॉलेज जाने के लिए एक दूसरे शहर में आ जाती है। एक दिन थेल्मा अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते थेल्मा अपनी कॉपी में कुछ करने लगती है। तभी अचानक स्कूल की बिल्डिंग से कुछ पक्षी टकराने लगते हैं। ये देखने में बहुत अजीब था, पर ऐसा लग रहा था कि ये सब थेल्मा की ओर आ रही है। थोड़ी देर में अचानक थेल्मा को दौरे पड़ने लगते हैं। टीचर थेल्मा को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर थेल्मा का इलाज करती है। डॉक्टर थेल्मा की रिपोर्ट देखती है तो रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल होता है। डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए ये थेल्मा को कुछ और टेस्ट करने के लिए बोलती है। थेल्मा अपना चेकअप करवा कर रात को घर वापस आ जाती है। थेल्मा बहुत ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो सीधा बेड पर सोने चली जाती है। जब थेल्मा नींद में होती है तो अचानक रूम में एक सांप घुस जाता है, जो कि थेल्मा के बेड पर चढ़ जाता है। सांप थेल्मा के पैर से होते हुए उसके मुंह की तरफ आता है, लेकिन तभी थेल्मा की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि थेल्मा सपना देख रही थी। सच में उसके रूम में कोई सांप नहीं है। अगले दिन थेल्मा जब स्कूल जाती है तो अपने स्कूल में बने स्विमिंग पूल में तैर रही होती है। तैरते तैरते थेल्मा की मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम एंजा होता है। एंजा और थेल्मा एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हैं। उसी दिन थेल्मा के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट पर आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि थेल्मा की मॉम पैरालाइज है। वो तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। एक रात रुकने के बाद उसके पेरेंट्स अगली सुबह अपने घर वापस चले जाते हैं। थेल्मा अपने पेरेंट्स के वापस जाने के बाद कॉलेज जाती है। कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई करते वक्त थेल्मा को एंजा का मैसेज आता है। एंजा ने थेल्मा को रात में होने वाली एक पार्टी में इनवाइट किया होता है। रात होती है और थेल्मा एंजा की पार्टी में चली जाती है। वहाँ एंजा थेल्मा को अपने बाकी दोस्तों से मिलाती है। इसके बाद थेल्मा एंजा की इस पार्टी को बहुत एंजॉय करती है। पार्टी में डांस करने के बाद थेल्मा अपने घर वापस आ जाती है। पार्टी से वापस आने के बाद थेल्मा एंजा को काफी मिस करती है और एंजा को मिस करते करते सो जाती है। सोते हुए थेल्मा को सपना आता है कि एंजा उसके घर की खिड़की के बाहर खड़ी है। तभी थेल्मा की आँख खुल जाती है और जब थेल्मा खिड़की से बाहर देखती है तो सच में एंजा थेल्मा के घर के बाहर खड़ी थी। थेल्मा का देखा हुआ सपना सच में सच हो जाता है। अब थेल्मा एंजा के पास जाती है, लेकिन तभी थेल्मा को फिर से वही दौरा पड़ने लगता है। तब एंजा थेल्मा को उठाकर उसके रूम में ले जाती है उसका ध्यान रखने के लिए। एंजा थेल्मा के साथ ही रुकती है। अगली सुबह थेल्मा एंजा से पूछती है कि तुम रात को मेरे घर के बाहर कैसे आई। इस बात का जवाब तो एंजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसे भी नहीं पता वो आधी रात को वहाँ पर कैसे पहुंची। कुछ दिनों के बाद ये दोनों इस बात को भूल जाती हैं और अपनी लाइफ में बिजी हो जाती हैं। कॉलेज में दोनों हर वक्त साथ रहती हैं, पार्टीज में भी ये साथ ही जाती हैं। एक रात ये दोनों अपनी खास पार्टी कर रही थी, जिसमें थेल्मा ड्रिंक और स्मोक करती है। फिर अगली रात को दोनों मिलकर एक ऑडिटोरियम में प्ले देखने जाती हैं। प्ले के बीच में थेल्मा को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं, इसलिए थेल्मा उस ऑडिटोरियम से बाहर आ जाती है। तभी थेल्मा के पीछे पीछे एंजा भी बाहर आ जाती है और पूछती है कि तुम बाहर क्यों आई। थेल्मा उसे बताती। उससे पहले ही एंजा थेल्मा को किस कर लेती है। इसके बाद थेल्मा एंजा को उस ऑडिटोरियम में अकेला छोड़कर वहां से भागकर अपने घर आ जाती है। घर आकर थेल्मा को अपने स्मोक करने और बियर पीने की बात से काफी बुरा लगता है, इसलिए वो ये बात अपने डैड को बताती है। थेल्मा के डैड कहते हैं कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, ये सब कर सकती हो और वैसे भी एक बियर से कुछ नहीं होता। अगले दिन थेल्मा फिर से डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर थेल्मा पर फिर से कुछ टेस्ट करती है, पर अभी भी डॉक्टर को थेल्मा के दौरे पड़ने की वजह पता नहीं लगती है। डॉक्टर बताती है कि थेल्मा के बॉडी में कुछ ड्रग्स के पार्टिकल्स पाए गए हैं, जिस पर थेल्मा बताती है कि मेरे डैड डॉक्टर हैं, वो मुझे बचपन में दवाइयां दिया करते थे, लेकिन इन सब से भी थेल्मा को दौरे पड़ने की वजह नहीं पता लगती है। इसलिए डॉक्टर अब थेल्मा को दूसरे डॉक्टर के पास भेज देती है। ये डॉक्टर थेल्मा के सर में कुछ इलेक्ट्रोड लगा
लगाकर उसे एक मशीन पर लेटा देता है। इस इलेक्ट्रोड की मदद से डॉक्टर थेल्मा के दिमाग में चल रही हरकतों पर नजर रख सकते हैं। जब थेल्मा को दवाई देकर सुलाया जाता है तो थेल्मा एक सपना देखती है। इस सपने में थेल्मा अपने बचपन में पहुंच चुकी है, जहां हम देखते हैं कि इसकी मॉम बिल्कुल ठीक थी और उसका एक छोटा भाई भी था जिसको इसकी मॉम दूध पिला रही थी। थेल्मा अपनी मॉम के पास जाती है तो इसकी मॉम इसे डांट कर उसे रूम से बाहर भगा देती है। इसके बाद थेल्मा की मॉम थेल्मा को अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए बोलकर घर का काम करने लगती है। थेल्मा उठकर अपने छोटे भाई के पास जाती है। थोड़ी देर बाद थेल्मा का भाई जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज से थेल्मा को काफी तकलीफ होती है, लेकिन अगले ही पल ये रोने की आवाज आना बंद हो जाती है। थेल्मा की मॉम आती है और अपने बेटे को घर में चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन उससे वो कहीं नहीं मिलता। तो वो थेल्मा से पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। थेल्मा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सोफे की तरफ देखती रहती है। तभी सोफे के नीचे से रोने की आवाज आती है। मॉम और डैड मिलकर इस सोफे को उठाते हैं और इसके भाई को बाहर निकालते हैं। थेल्मा के इस बचपन के सपने के बाद डॉक्टर थेल्मा से उसके दोस्तों के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, जिस पर थेल्मा को एंजा की याद आने लगती है। वो सवाल पूछने के बाद हॉस्पिटल की लाइट भी खराब होने लगती है, पर डॉक्टर इन सब के बाद भी थेल्मा से सवाल पूछना बंद नहीं करते, वो अपना काम जारी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजा अपने घर में कुछ काम कर रही होती है तो उसके रूम का म्यूजिक सिस्टम अपने आप ही ऑन हो जाता है। एंजा के घर की खिड़की का शीशा टूट जाता है और तभी एंजा गायब हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर थेल्मा का चेकअप करने के बाद उसे बताते हैं कि ये एपिलेप्सी नहीं कुछ और बीमारी है। डॉक्टर बताते हैं कि मेरी दादी को भी यही बीमारी थी। इसके बाद डॉक्टर थेल्मा को अपने दादी का एड्रेस देती है। अगले दिन थेल्मा डॉक्टर की दादी से मिलने जाती है। वहां जाकर उसे पता लगता है कि थेल्मा के फादर ने ही डॉक्टर की ग्रैंड माँ को इस जगह पर रखा है और उनका इलाज किया है। थेल्मा दादी से काफी देर बातें करने के बाद देर रात अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन से थेल्मा जब कॉलेज जाती है तो अपनी दोस्त एंजा को काफी मिस करती है। अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इसलिए थेल्मा वापस अपने पेरेंट्स के पास रहने चली जाती है। थेल्मा पेरेंट्स को अपने बीमारी के बारे में बताती है। तभी फिर से हमें थेल्मा के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें थेल्मा की मॉम अपने बेटे को बाथटब में नहला रही होती है। थेल्मा की मॉम टॉवेल लेने के लिए बाथरूम से बाहर जाती है, पर जब वो वापस आती है तो उसे वहाँ अपना बेटा नहीं दिखाई देता। इसके बाद वो ये बात अपने हस्बैंड को बताती है। थेल्मा के डैड खिड़की से देखते हैं कि थेल्मा लेक की ओर जा रही है, तो वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागते हैं और थेल्मा से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है, जिस पर थेल्मा लेक की ओर इशारा करती है। थेल्मा के डैड भागकर लेक की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि लेक पूरी तरह से जमी हुई है और इस जमी हुई लेक के अंदर इनका छोटा बेटा है जिसकी अब मौत हो चुकी है। इस बात का पता जब थेल्मा की मॉम को लगता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और जिंदगी को खत्म करने की सोचती है, लेकिन थेल्मा की माँ बहुत ऊंचाई से ना गिरने की वजह से उनकी मौत नहीं होती, पर वो पैरालाइज हो जाती हैं। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां पर थेल्मा के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो कोई आम बच्ची नहीं है, उसके पास सबसे अलग सुपर नेचुरल पावर है। इस पावर के हिसाब से थेल्मा जो भी सपना देखती है या जिसके बारे में सोचती है वो सब सच हो जाता है। इसका मतलब थेल्मा ने अपने छोटे भाई को लेक के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया था और इसकी वजह से ही एंजा गायब हुई है, क्योंकि जब थेल्मा का ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो एंजा के बारे में ही सोच रही थी। थेल्मा के सोचने की पावर की वजह से इसके डैड बहुत ज्यादा ड्रग्स देने लगे थे। इस बात को जानने के बाद थेल्मा अपने डैड से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वापस अपने शहर जाना चाहती है। इस बात पर थेल्मा के डैड कुछ नहीं बोलते। तभी हम देखते हैं कि थेल्मा को बहुत तेज नींद आने लगती है और सोते हुए थेल्मा को एक सपना आता है, जिसमें थेल्मा के डैड एक नाव में बैठकर लेक के बीच में पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनके शरीर पर आग लग जाती है। इसके बाद वो लेक में कूद जाते हैं, पर ये आग नहीं बुझती और वो मारे जाते हैं। थेल्मा की आँख खुलती है तो वो बहुत घबरा जाती है। वो भागकर बाहर आ जाती है और लेक की तरफ देखती है। लेक के बीचों बीच एक नाव होती है। वो समझ जाती है कि उसका सपना सच हो चुका है, अब उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे। अब थेल्मा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो अपना सामान पैक करके कॉलेज के लिए रवाना होने लगती है। जाते हुए वो अपनी मॉम के पास जाती है और उनके पैरों को हाथ लगाकर सोचती है कि वो अब ठीक हो जाएं। और अगले ही पल थेल्मा की मॉम पैरालाइज से ठीक हो जाती है। थेल्मा अपने कॉलेज पहुंचने के बाद
एक जगह खड़े होकर सोचती है कि एंजा उसे पीछे से किस कर रही है और अगले ही पल एंजा थेल्मा को पीछे से किस करती है। इसका मतलब थेल्मा ने अपनी पावर्स के ऊपर काबू पा लिया है। अपने पावर की मदद से वो एंजा को वापस ले आती है पर अपने पिता को नहीं ला पाती है क्योंकि उनको थेल्मा ने मार दिया है। और अब हमें पता चलता है कि थेल्मा के डैड उसे क्यों मारना चाहते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।